नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपने सारी फोटो को Google फोटोज पे बैकअप लेते हैं? दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि Google फोटोज पे जो फोटो बैकअप के रूप में रखे हुए हैं उन सभी फोटो को एक क्लिक में कैसे डाउनलोड करें? दोस्तों, अगर आप अपनी सारी फोटो को Google फोटो पे रखे हुए हैं और उन सभी फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल के फोल्डर में, अपने फाइल मैनेजर में एक क्लिक में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, गूगल फोटोज का बैकअप लेने के लिए ओपन करते हैं इस फोटोज नाम की ऐप को, और ये ऐप ओपन हो जाने के बाद इन सारे फोटो को एक ही क्लिक में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आपको जाना होगा और लाइब्रेरी में आ जाने के बाद यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस फाइल की फोटो को आप अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों, गूगल फोटोज में जो फोटोज बैकअप होता था उन सभी को पहले डाउनलोड करने के लिए एक एक करके डाउनलोड करना पड़ता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम अपनी सारी फोटो को एक ही बार में डाउनलोड कर सकें, मगर गूगल ने इस ऐप को अपडेट करके एक नया फीचर दिया हुआ है जिससे हम अपनी सारी फोटो को एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने गूगल फोटो ऐप को अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसे अपडेट कर लीजिएगा। तो मैं इस फोल्डर की फोटो को यहाँ से मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ एक ही बार में। तो यहाँ पे इन सभी फोटो को मेरे को एक ही बार में डाउनलोड करना है, तो इन सभी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मूव टू फोल्डर। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि गूगल फोटो आपके फ़ोन में अपडेटेड नहीं है। आप इस फोटो ऐप को पहले अपडेट कर लीजिएगा। तो इन सभी फोटो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा मूव टू फोल्डर पे, और इसके बाद यहाँ से आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस फोल्डर में इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कैमरा वाला फोल्डर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि 6 आइटम मूव, मतलब कि 6 फोटो हमारी फाइल मैनेजर में जाके सेव हो चुकी है। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ पे इस फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं और उस फोटो को देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से हम इस DCM वाला फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 6 फोटो आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़े आसानी से गूगल फोटो की सारी फोटो को एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।